हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर है उसमें आपको भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुणों के बारे में पढ़ा हमने, रासायनिक गुणों के परिवर्तन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको प्रतीक और अणु सूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, कि जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो कौन कौन से चरण काम में लिए जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चरण पढ़ते जाएंगे। तो पहला चरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रिया कारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, तत्पश्चात उत्पाद को लिखा जाता है। तो क्रिया कारक जैसे C+O2, ये दोनों क्या थे, क्रिया कारक थे। फिर तीर का निशान लिखाने के बाद में किसको लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट है, क्रिया कारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक हों तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो जैसे एक से ज़्यादा हो गई क्रिया कारक C+O2, तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का। आगे जो हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उत्पाद भी क्या होते हैं, एक से ज़्यादा बनते हैं, तो यदि उत्पाद भी एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो हमने पढ़ा था कि न तो जो ऊर्जा का क्षय होता है और न ही निर्माण होता है, अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर कार्बन की एक है तो यहाँ पर भी कार्बन क्या है, एक है। इसी तरह ऑक्सीजन के दो हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, दो हैं। तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में ही जो परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो इसको हमको क्या करनी पड़ती है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटाकर या बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करते हैं। इसे अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा संतुलित किया जाता है। हिट का मतलब है कि अभिकारक में कम है तो उत्पाद में ज़्यादा, और अभिकारक में कम है तो उत्पाद से उठा करके कहाँ ले आइए, आप अभिकारक की तरफ। अब अभिकारक में ज़्यादा है, उत्पाद में कम है, तो अभिकारक का उठा के क्या ले जाइए, उत्पाद की तरफ। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है, Mg+O2 2MgO। अब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Mg के कितने हैं, एक परमाणु है, और यहाँ पर कितने हैं, दो हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के क्या हैं, दो हैं। तो अब इस दो को, उत्पाद के इसमें से दो को उठा करके आप यहाँ ले आइए 2, तो ये हो जाएगा 2Mg+O2, तो ये हो गया 2MgO। यानी जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। तो ये जो मेथड है इसको हम अनुमान विधि या इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसे हिट का मतलब है हिट करो और ट्राई करते रहो। कब तक ट्राई करते रहो, जब तक पूरी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं हो जाती है। तो आगे हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उनको संतुलित करने के लिए। अभी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहले आपको असंतुलित लिख के बताया, बाद में उसको क्या किया है, संतुलित। यानी यहाँ से 2 को हिट मारा और कहाँ पर लिया है, Mg के आगे। अब दोनों तरफ क्या हो गए, क्रियाकारक या अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही संख्या क्या हो गई, समान हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है, समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को बताते हुए। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों भौतिक अवस्थाओं उनके साथ कोष्ठक में लिखने, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखा जाता है। जैसे C कार्बन कोयला, कोयला क्या है, ठोस है, तो इसके आगे हमने क्या लिखा है, S सॉलिड, S फॉर सॉलिड।
ऑक्सीजन क्या है, गैस है O2, O2 क्या है, गैस, तो O2 के आगे क्या लिख दिया, जी, और ये CO2 क्या है, गैस। तो जब भी हम अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस और L फॉर लिक्विड। नेक्स्ट है, अभिकारक में उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में हो तो इसके आगे AQ, इसको कहते हैं एक्वस, लिखते हैं। जैसे CaO क्या है, सॉलिड है, H2O क्या है, लिक्विड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड राइज, ये दोनों को जल में मिलाने से ये विलयन बना है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, AQ। नेक्स्ट है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों दिशाओं में तीर का निशान, इस तरह का निशान लगाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि यदि अभिकारक या क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है तो उत्पाद को वापस अभिक्रिया अभिकारक या क्रियाकारक में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ को द्रव अवस्था, जलीय अवस्था में ला सकते हैं, फिर उसको गर्म करके गैसीय अवस्था में, फिर गैसीय अवस्था से वापस कौन सी अवस्था में ला सकते हो, द्रव अवस्था में, और द्रव से फिर उसको कूलिंग या ठंडा करने के बाद ठोस अवस्था में। तो दोनों दिशा में, यानी अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद किस में चेंज हो जाए, अभिकारक में, तो ऐसी अभिक्रियाओं को तो हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय है। और ऐसी क्रियाओं में इस तरह का निशान लगाया जाता है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाता है लेकिन उत्पाद को हम वापस अभिकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन यानी कोयले को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कौन सी गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आप चाहो कि वापस कोयला प्राप्त कर लो तो इस तरह से नहीं होता है। तो जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें केवल एक ही तरफ तीर का चिन्ह लगता है, और जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें इस तरह तीर का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप पे दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, इसको अमोनिया NH3 क्या है, अमोनिया में चेंज होने के लिए 773 केल्विन ताप और 200 ATM प्रेशर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इस तरह से प्रेशर को और ताप को एरो के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उष्मा शेपी व उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः प्लस और माइनस चिन्ह लगाकर उष्मा की मात्राओं को लिखा जाता है। अब उष्मा शेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा शेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है, और उष्मा शोषी जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो जब शेपी निकलती है तो किसका लगाते हैं, प्लस का, और अवशोषित होती है तो किसका चिन्ह लगाया जाता है, माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। और उष्मा के चिन्ह को हम इस तरह का चिन्ह किसे भी लिखा जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बन गई तो 10.5 प्लस 10.5 केल्विन पर मोल जो उष्मा है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और N2 प्लस 2O2 2NO2 माइनस 2.21.6 केल पर मोल्स, तो माइनस है तो यानी उसमें उष्मा जो है वो क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो इस तरह से उष्मा शेपी और उष्मा शोषी जो अभिक्रिया है उनके आगे प्लस या माइनस का चिन्ह लगाकर उष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। 10वां पॉइंट है, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। उत्प्रेरक, इस लेसन में हम आगे उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर, रासायनिक अभिक्रिया को तो क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसकी दर को तो परिवर्तित करते हैं लेकिन खुद क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो जो भी उत्प्रेरक काम में आते हैं उसको भी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे एथीन का एथेन, अब ये एथीन एथेन क्या होता है, ये हम आपके केमिस्ट्री का ये 8वां लेसन है, कार्बन कंपाउंड, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो एथीन की जब हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो उत्प्रेरक का कार्य क्यों कर रहा है, निकिल Ni, तो इस निकिल को तीर के चिन्ह के ऊपर लगाया जाता है और एथीन डबल बॉन्ड वाली सिंगल बॉन्ड एथीन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय इन सभी चरणों का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सहयुग्मन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन,
ये सारी जो क्रियाएं उदासीनीकरण, इन सभी क्रियाओं अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको अपनी नोट्स कॉपी में केवल ये रासायनिक समीकरण को लिखने के जो चरण हैं उन सबको उतारना है। थैंक यू।